हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रैगन बॉल EX के चैप्टर 3 को। एंड ये वाले जो चैप्टर में है ना, वो गोकू जो है, जो एवल गोकू बन चुका है इस टाइम पे, वो जाएगा नेमेक पर नेमेकियंस को मारने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो यार, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एंड सबसे पहले हमें दिखाया जाता है ईवल गोकू। जैसा कि गाइस हमें याद है, चैप्टर 2 के लास्ट में जो गोकू है, ईवल गोकू, उसने जो है इंस्टेंट ट्रांसमिशन करना सीख लिया था। तो सबसे पहले वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है एंड गोहान के पास पहुँच जाता है। एंड गोहान बोलता है कि इनके पास तेल है और ऐसा फेस। एंड गोकू बोलता है, तुम कौन हो? एंड फिर गोकू सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है एंड मैं प्रेजेंस फील करना भी भूल गया हूँ, मुझे ट्राई करते रहना होगा। गोहान बोलता है, आपको पता है मैं आपको कब से देखना चाहता था, अब वहाँ मत खड़े रहिए, अंदर आइए। लेकिन यार गाइस, गोकू तो घर के अंदर ही सीधा इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके आया है, पता नहीं गोहान ऐसे क्यों बोलता है। देन गोकू जो है वो बोलता है, तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं चलता हूँ, मुझे एक और प्रेजेंस फील हुई, शायद इस बार वही हो। एंड गोहान बोलता है, नहीं मत जाइए। बट वहाँ ईवल गोकू जो है वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर लेता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। देन गोहान बोलता है कि ये उनके क्लोथ का पार्ट है। एंड फिर गोहान बोलता है कि इससे मैं ढूंढ सकता हूँ कैकेरॉट। लेकिन यहाँ पर कैकेरॉट क्यों बोलता है, मेरे को ये समझ नहीं आई गाइस। एंड वेजिटा और गोटेन के पास चला जाता है गोकू। एंड वहाँ पर वेजिटा बोलता है गोटेन से कि चलो ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। एंड गोकू बोलता है, अरे यार फिर से गलत। एंड गोटेन बोलता है, डैड आप यहाँ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? एंड गोकू सीधा पंच मार देता है गोटेन को। मतलब भाई लग गया यार गोटेन के तो। गोटेन सोच रहा होगा, यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। एंड गोकू जो है अब वो जो है बोलता है, अब ये कैसे प्रेजेंस है? उसको एक और प्रेजेंस फील होती है, इस बार मैं गलत नहीं हो सकता, ये प्रेजेंट नेमेकिन की है, आखिरकार मैं ढूंढ लिया उन्हें। देन गाइस वेजिटा जो है वो समझ जाता है कि ये कैकेरॉट की नहीं हुआ, ऐसे बोलता है। एंड गोटेन जो होता है वो बोलता है, पूछता है वेजिटा से कि वेजिटा क्या तुम जानते हो डैड को क्या हुआ है, उन्होंने मुझे ऐसे पंच क्यों किया। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईवल गोकू नेमिक पर पहुँच जाता है एंड बोलता है वहाँ पर, वेल मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, सालों से तुम्हारी वजह से लॉक था मैं। एंड नेमिकियंस जो होते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं कि ये तो वही सेयन है कि जिसने प्रीसा को हराया था। जो वहाँ पे एल्डर नेमिकियन होते हैं वो बोलते हैं, बी केयरफुल, ये वो नहीं है जिस जो तुम सोच रहे हो। गोकू जो होता है वहाँ पे, ईवल गोकू, वो बोलता है कि ये तुम क्या पागलपने की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। देन सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब जिस बंदे ने उन्हें बचाया था प्रीसा से, वो बोल रहा है कि वो उन्हें मारने आया है वहाँ पर। एंड ईवल गोकू जो है वो एक की ब्लास्ट करता है एंड जिससे मोस्ट ऑफ द नेमेकिन जो होते हैं प्लैनेट नेमेक पर वो मर जाते हैं। एंड गोकू बोलता है, मुझे एक और नेमेकिन की प्रेजेंस फील हो रही है। देन वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है और डेंडे के पास पहुंच जाता है गाइस, बिकॉज एक वही एक नेमेकियन है जिसकी प्रेजेंस फील हो रही थी ईवल गोकू को। एंड वी नो के वो जो है अर्थ पर है डेंडे, तो वो वहाँ पहुँच जाता है ईवल गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके। देन गाइस जो ईवल गोकू है वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंच जाता है डेंडे के पास। एंड डेंडे बोलता है कि ये शुरू हो गया, जो मुझे बुरी फीलिंग आ रही थी वो सच है। एंड गोकू बोलता है, मुझे लगता है तुम लास्ट नेमेकिन हो। डेंडे बोलता है, तुम कौन हो और तुमने गोकू की बॉडी को क्यों लिया? गोकू बोलता है वहाँ पर, जो ईवल गोकू है, मैंने नहीं लिया, मैं इसके साथ फ्यूज हो गया हूँ। एंड गाइस यहाँ पर साफ साफ क्लियरली मैंशन है, वो जो ईवल गोकू है वो बोल रहा है कि वो गोकू की बॉडी के साथ फ्यूज़ हो गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी ये, सच में मुझे भी लगा था कि गोकू की जो बॉडी है वो उसने किसी तरह ले लिया होगा, लेकिन यहाँ वो साफ साफ बोल रहा है कि वो फ्यूज हो चुका है। एंड डेंडे जो है वो भी शॉक्ड हो जाता है, वो बोलता है, ये नहीं हो सकता। एंड गोकू जो है वो बोलता है, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, तुम ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करते हो, पर मुझे तुम्हें मारना होगा, क्या पता तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो। मिस्टर पोपो बोलता है, कामी समा केयरफुल रहना। एंड डेंडे जो है मिस्टर पोपो को बोलता है, मिस्टर पोपो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सब टाइम आपके साथ शेयर किया, सब बातें आपके साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। एंड जो गोकू है वहाँ पर, ईवल गोकू, वो की ब्लास्ट करता है फिंगर से एंड डेंडे को मार देता है। एंड मिस्टर पोपो जो है देखते हैं कि डेंडे मर चुके हैं। एंड उसके बाद वो बोलता है, कामी समा नहीं। एंड गोकू जो है वो नीचे देखता है एंड बोलता है कि कितनी सारी लाइफ से नीचे। एंड यहाँ पर गाइस हमारा जो चैप्टर 3 है वो भी ख़त्म हो जाता है, जिसमें कि हमने देखा डेंडे मर चुका है इस टाइम पे एंड ईवल गोकू जो है उसने डेंडे को मार दिया है गाइस। एंड सच में यार ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ लगी थी मुझे कि द गार्डियन ऑफ अर्थ वो इस टाइम पे मर चुका है एंड ये ईवल गोकू के साथ जो है गोकू फ्यूज़ हो गया, मतलब उसने बॉडी नहीं अपनाई है, उसने सीधा फ्यूज़ ही हो गया है गोकू के साथ। एंड गाइस इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।